हे नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास किसी का भी कॉल आता है उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में रिंगटोन नहीं बज रहा तो सिंपली दोस्तों वो सेटिंग आपको कैसे करना है यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बीच में वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप ना करिए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली दोस्तों आपको लाल बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आपको बगल में बेल आइकन दिखाई देगी दोस्तों, इस घंटी पे भी क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सो दोस्तों मेरा नाम है धारा सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों हम करते वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बीच में आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ पर अगर आपका दोस्त का या फिर आप किसी का भी आपके फ़ोन में यानी कि कॉल आ रहा है और आपके यानी कि रिंगटोन नहीं बज रहा तो सिंपली दोस्तों आप कैसे सेटिंग करना है यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके फ़ोन में एक सेटिंग करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरे वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा तो सिंपली दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर यानी कि तीन ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे फर्स्ट वाला देगा साउंड का, दूसरा वाइब्रेशन का और तीसरा म्यूट का। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर साउंड का ऑप्शन है सबसे फर्स्ट वाला, इस पर आप टिक लगाना है। इस पर अगर आपका वाइब्रेशन रहेगा यानी कि यहाँ पर अगर वाइब्रेशन रहेगा तो आप किसी का भी कॉल आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा यानी फ़ोन आपका वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और म्यूट रहेगा तो भी किसी को पता नहीं चलेगा यानी कि आप किसी का भी कॉल आएगा तो आपको यानी कि, तो ये सेटिंग आपको सबसे फर्स्ट वाला साउंड पर यहाँ पर टिक लगा देना, साउंड पर रखना है। उसके बाद में दोस्तों आपको दूसरा सेटिंग क्या है, दूसरा सेटिंग ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम पे आप क्लिक कर दीजिए। वॉल्यूम पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई देगा तो दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम आपको बढ़ा लेना है, यहाँ पर आपको उंगली रख के यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो आपको फुल कर लेना है, देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप फुल कर लेना है इसका वॉल्यूम, और इसका भी आपको यहाँ पर मीडिया का भी और नोटिफिकेशन का भी फुल कर लेना है, ये चारों आपको फुल कर लेना है यहाँ पर, तो यानी कि ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी का भी कॉल आएगा दोस्तों तो अब आपके पास यानी कि रिंगटोन सुनाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट वाला सेटिंग आपको ये करना है, यहाँ पर वाइब्रेशन रहेगा या फिर म्यूट रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साउंड पर रखना है, सिर्फ साउंड पर, तो साउंड पर रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करके इसका वॉल्यूम में जो यानी कि कम रहेगा तो इसका वॉल्यूम आपको पूरा फुल कर लेना है। तो दोस्तों ये सेटिंग आपको आपके फ़ोन में कर लेना। उसके बाद दोस्तों 100% जो वर्किंग ट्रिक मैंने बताई है दोस्तों, ये अगर किसी का भी कॉल आएगा तो दोस्तों आसानी से यानी कि आपके पास रिंगटोन सुनाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।